चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था फंक्शंस का, ठीक है। फंक्शंस कैसे यूज़ की जाती है, ठीक है। फंक्शंस को कैसे बनाते हैं, कल हमने वो फंक्शन डिक्लेरेशन पार्ट देखा। फंक्शन विद पैरामीटर्स, फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स, फंक्शन विद रिटर्न और फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप, वो सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। आज हम रियल टाइम एग्जाम्पल करेंगे कि कैसे हम फंक्शंस को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम देखेंगे कि अगर हमें फंक्शन बनानी होगी तो कैसे हम बना सकते हैं और कैसे उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे एक थीम चेंज कैसे कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ फंक्शंस एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। शायद मैंने आपको दिखाया होगा इससे पहले, दिखाया, ठीक है। अगर थोड़ा सा याद होगा आपको उस टाइम कुछ आइडिया है, अगर नहीं है तो आज वो चीज़ क्लियर करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से OTP देखेंगे, इसी भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हम देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा करेंगे, किसमें, फंक्शंस पे, ठीक। या परसों हमने कैलकुलेटर बनाया था, उसी को हम फंक्शंस की मदद से भी कर सकते हैं। चलिए फाइल को सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे ही सेव करेंगे और इसका नाम ही रखेंगे फंक्शंस पार्ट 2, ठीक है। सबसे पहले HTML सेक्शन। तो चलिए, तो आज HTML सेक्शन वाला पार्ट भी देखेंगे और साथ साथ क्या देखेंगे हम, कैसे हम एक थीम चेंज बनाएंगे विद हेल्प ऑफ फंक्शंस। तो चलिए सबसे पहले एक डिवीजन बनाते हैं, लेट्स से क्लास बॉक्स, क्या नाम रखा है इसका मैंने, बॉक्स, ठीक है। एक सिंपल डिवीजन बनाया, उसका नाम रखा क्लास बॉक्स। और एक फाइल क्रिएट करेंगे हम, और व्यू लेआउट या कंट्रोल या आल्ट शिफ्ट प्लस 2 प्रेस कर सकते हैं। तो ये इसकी CSS फाइल होगी, चलिए इसका नाम ही रखेंगे हम, लेट्स कॉल इट थीम डॉट CSS। और इस फाइल को हम इसके साथ लिंक करेंगे, सो थीम डॉट, तो एग्जाम्पल किसकी है, ये फंक्शन की। अब यहाँ पे आप स्पैन टैग डालिए, एंकर टैग डालिए, जो भी चाहे वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो मैं स्पैन टैग यूज करूँगा बट href वाला पार्ट हटा दूंगा, तो दैट मीन्स मैं इसको एज ए इनलाइन टैग की तरह यूज कर सकता हूँ। सो दैट मीन्स मैं यहाँ पे स्पैन टैग भी यूज कर सकता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट 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 और पेस्ट, तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5, और चलिए कितने बनाएंगे, 6। तो 6 बॉक्स यहाँ पे बनाए हमने, और चलिए इनको अकॉर्डिंगली हम एक नाम देंगे। क्या देंगे हम नाम देंगे, चलिए लेट्स से इट इज रेड, ग्रीन, ब्लू, ग्रे, ऑरेंज और ब्लैक, ठीक है। तो ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। तो मैं इनको पहले एक बॉक्स जैसी शेप दूंगा, क्या दूंगा, बॉक्स जैसी शेप देंगे इनको, या इस पहले इस पूरी बॉक्स को आप पोजीशन एब्सोल्यूट करके राइट लेफ्ट जहां पे आपको ये बॉक्स चाहिए होगा वहां पे ले जा सकते हैं। तो लेट्स से पहले रीसेट रूल करेंगे, पैडिंग 0, मार्जिन 0, और यहाँ पे हम डॉट किसको टारगेट करेंगे, बॉक्स, ठीक है। बॉक्स वाला सेक्शन जो, इसको पोजीशन क्या करेंगे, एब्सोल्यूट, और इसको टॉप से नीचे लाएंगे, लेट्स से 40px, और इसको राइट साइड ले जाएंगे। हम कहाँ पे ले जाएंगे, या लेफ्ट साइड से भी रख सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, या राइट साइड ले जाएंगे उसको, कितना, 40px। सो दैट मीन्स ये पूरा सेक्शन जो, ये कहाँ जाएगा, हमारे राइट साइड। और चलिए एक काम करते हैं, इसको बैकग्राउंड देते हैं, बाद में ये बैकग्राउंड हम हटा देंगे, तो हमें ये बैकग्राउंड नहीं चाहिएगा। सो लेट्स से ग्रे, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यह वाली चीज़ आ गई है हमारे पास, एक बॉक्स इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे काम, लेट्स से डॉट बॉक्स के अंदर जो एंकर्स है इनको पहले विड्थ देंगे हम 80px, और हाइट भी देंगे हम 80px, और लेट्स से बैकग्राउंड कलर रेड,
तो मैं कुछ स्टाइलिंग इसमें बाद में चेंज, तो ये तो बराबर एग्जैक्ट विड्थ हाइट ले नहीं रहा है, तो इसको एग्जैक्ट विड्थ हाइट लेने के लिए हम हर एक को फ्लोर क्या करेंगे, लेफ्ट करेंगे। तो इस तरीके से फिर अब ये एग्जैक्टली क्या लेंगे हमारे पास विड्थ, और तो अगर ये ज़्यादा जा रहा है तो लेट्स डू वन थिंग, तो 40 px मच बेटर, ठीक। और ये कंटेंट भी बाद में मुझे नहीं चाहिए होगा, तो इसको भी हम गायब कर देंगे। अब यहाँ पे और एक चीज़, अब इनको बॉक्स जैसा विजिबल करने के लिए इनके बीच में हम क्या देंगे, मार्जिन। चलिए मार्जिन कितना देंगे हम, 4 px। तो ये कुछ मार्जिन आ गया हमारे 4 px, तो कितने आ गए ये, 1 2 3 4 5 6। तो कोई इशू तो नहीं है ना यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है फंक्शन। मैं चाहता हूँ जब इस पे मैं क्लिक करूँ तो पूरे बॉडी का जो कलर है वो चेंज होना चाहिए, होना या अगर ग्रीन पे क्लिक करूँगा तो पूरे बॉडी जो है इसकी प्रॉपर्टी जो है वो क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, ठीक है। ये एक रियल टाइम एग्जांपल है जो आप कह सकते हो, जो बहुत जगह आपको ये चीज़ मिली, या एनिमेशंस होती है, या और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी आगे जाके। तो फिलहाल आज सोचा पहले ये एग्जाम्पल थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अब ये जो कंटेंट है इसके अंदर, पहले इसको गायब करते हैं, क्योंकि कंटेंट मुझे चाहिए नहीं। नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट इंडेंट, क्या यूज़ करेंगे, तो इसको हम कुछ दूर भेजते हैं, ठीक है। तो ये तो कहीं विजिबल भी नहीं होगा हमारे पास px, ठीक है। सो कंटेंट इज देयर बट इट इज नॉट विजिबल विजिबल, तो ये विजिबल नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब हर एक डिवीजन को अलग 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 एंकर को अलग अलग कलर दे सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन हो सकता है, क्या एंकर ही ज़रूरी है, नहीं, तो आप कोई भी स्पैन टैग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे इनलाइन टैग यूज़ कर सकते हैं, सॉरी। तो जैसे इसका नाम देंगे आईडी, और हर एक को हम आईडी एक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चलिए इसका आईडी रेड है, इसको लिखेंगे ग्रीन, इसको देंगे ब्लू, एंड लेट्स से ग्रे। तो ग्रे कलर असल में GREY होता है यहाँ पे, है ना, अगर आपको याद होगा। दोनों ओके, चलिए ऑरेंज एंड ब्लैक, तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स से हैश रेड, तो करना कुछ नहीं है, लेट्स से बैकग्राउंड कलर रेड, हैश ग्रीन, तो बैकग्राउंड कलर क्या देंगे हम, आ रहा है। हालांकि यहाँ पे ये जो मैंने रेड कलर दिया था, ये इसको मैं गायब भी कर सकता हूँ, ये आपको विजिबल कराने के लिए मैंने ये चीज़ दी थी, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको करेंगे हम कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट, ग्रीन के बाद आएगा हमारा ब्लू, लेट्स से बैकग्राउंड ब्लू एंड लेट्स से ग्रे। तो जो आईडी है वही यहाँ पे एक्सेस करना है, तो लेट्स से ग्रे, तो ग्रे के पीछे ग्रे विजिबल नहीं हो रहा है, तो लेट्स से हैश F3 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 है, लाइट ग्रे देते हैं, आई होप अब ये विजिबल हो जाए, ठीक है, इट इज़ विजिबल है कि नहीं। और यहाँ पे एक काम करते हैं, लेट्स क्यू पैडिंग हर एक साइड से कितना, 12 px, तो अब ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे ग्रे के बाद हम टारगेट करेंगे, और लेट्स से बैकग्राउंड ऑरेंज, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट लेट्स से ब्लैक, तो यहाँ पे डाल देंगे हम ब्लैक कलर। चलिए जो ये रिफ्रेश करेंगे आ गया। अब साथ साथ और एक चीज़ करेंगे, बोलेंगे जो हमारे एंकर्स है, कर्सर जो है वो करेंगे हम पॉइंटर, यानी कि अब कर्सर यानी कि हैंड आ जाएगा वहाँ पे। नाउ इफ आई क्लिक दिस, तो मैं चाहता हूँ क्लिक जो ही हो जाए तो क्या होना चाहिए, चेंज होना हेलो, चाहिए। या और एक काम करते हैं, डॉट बॉक्स ए के ऊपर जब होवर हो जाएगा
इसको हम ट्रांसफॉर्म स्केल करेंगे, क्या करेंगे, लेट्स से 0.98 जा रहा है अंदर, लग रहा है हो रहा है ना अंदर। अब चलिए अब क्या होगा यहाँ पे काम, अब यहाँ पे है कि भाई एंकर पे जब क्लिक होगा, क्या होगा एंकर पे जब क्लिक होगा, चलिए हम क्या करेंगे कहा, हम यहाँ पे बनाएंगे हम स्क्रिप्ट, क्या यूज करेंगे हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम बनाएंगे एक फंक्शन, लेट्स से चेंज कलर, कुछ भी नाम रख सकते हैं, बट यहाँ पे हम पास करेंगे एक पैरामीटर, क्या पास करेंगे पैरामीटर, एक आर्गुमेंट पास है जो क्लिक कर रहा है उसी की आईडी पास करेंगे और अकॉर्डिंगली जो हमारा बैकग्राउंड है उसी हिसाब से उसको चेंज। तो दैट मीन्स पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, सो ऑन क्लिक किसको कॉल करेंगे, चेंज कलर। बट अब देखिए यहाँ पे हम पास क्या करेंगे, यहाँ पे हम पास करेंगे शाबाश, यहाँ पे पास करेंगे रेड, यहाँ पे पास करेंगे ग्रीन, यहाँ पे पास करेंगे ब्लू, और यहाँ पे पास करेंगे हम ग्रे, और यहाँ पे पास करेंगे हम ऑरेंज, और यहाँ पे पास करेंगे हम ब्लैक। ठीक है, समझ आ रही है बात यहाँ तक। तो हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले, ये मैं दूसरी चीज़ के साथ भी, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट में एक थी मेरे पास, देखी थी मैंने, तो उस पर हम क्लिक करते थे तो हर क्लिक पे एक नया कलर आ जाता था, क्या हो जाता था, पूरी बॉडी का ही कलर चेंज होता था। तो वो भी हम आगे करने वाले हैं, ठीक है, तो वो चीज़ दिमाग में रखिएगा। तो लेकिन वो कलर्स कहाँ से आ रहे थे, देर वी विल यूज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम, रैंडमली कलर जनरेट होते थे और फिर बॉडी को असाइन करके पूरी बॉडी का क्या हो जाता था, चेंज हो जाता। हाँ, तो रैंडम वो चीज़ हम यूज़ करेंगे, वो भी हम बनाएंगे, लेकिन पहले आज हम ये वाली चीज़ एग्जांपल देखेंगे। तो अब देखिए मैंने हर एक फंक्शन जो है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगी, कॉल हो जाएगी, मैंने ऑन क्लिक इवेंट रखा इस पर, दैट मीन्स जब इस पर क्लिक हो जाएगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगी, साथ साथ क्या जाएगा रेड, ये रेड किस में जाएगा, इस वेरिएबल, अगर इस पे क्लिक किया जाएगा इस वाले एंकर पे तो ये फंक्शन कॉल जाएगी, दैट मीन्स, और उसको ये अपने साथ क्या पास करेगा आर्गुमेंट, तो दैट मीन्स उस टाइम यहाँ पे क्या जाएगा ग्रीन, सो अकॉर्डिंगली जिस पे हम क्लिक करें वो अपना आर्गुमेंट पास कर रहा है, तो फंक्शन विद पैरामीटर जा रहा है, समझ रही है बात। जैसे मैं ए पे अगर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं यही से इसको पास क्या कर रहा हूँ ब्लू, तो ये किस पे जाएगा, अब इसके साथ मुझे क्या करना है, नाउ अब मैं लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट नो नो, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू चेंज द कलर, शाबाश, डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर इज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट स्टाइल डॉट ठीक है। अच्छा, आपके कहने का मतलब वो डायरेक्टली वो भी कर वो भी कर सकते हैं, आप कहने का मतलब फिर मुझे पूरे बॉडी को आईडी देनी है, कर सकते हैं ना, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू जाएगा ना डॉक्यूमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इज इक्वल क्या जाएगा वहां पे आईडी। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कि ये जाएगा भी, इज इट गोइंग टू वर्क और नॉट, पहले रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, ग्रे कलर आ रहा है ना, तो डॉक्यूमेंट डॉट यानी कि अगर इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो गया, मैंने इसको कहा जो ये डॉक्यूमेंट है इसकी जो बॉडी है उसका स्टाइल प्रॉपर्टी में कौन सी चीज चेंज करो, बैकग्राउंड उसका कलर क्या दू जो आईडी में वहां से आ रहा है, तो ये इम्प्रूव होगा, यानी कि यहाँ पे ये भी चीज किसकी मदद से होगी, फंक्शन की मदद, आ रही है बात समझ।
ये जैसे थीम चेंज करने के लिए यूज है, बहुत सारी वेबसाइट्स में आपने देखा होगा साइड में थीम चेंज करते हैं, करते ना आप डार्क क्लिक मोड पे। करते फिर डार्क मोड या बाकी सारी चीजें, तो इट्स लाइक दैट अकॉर्डिंगली फिर पूरी वेबसाइट या जो जो पार्ट आपको टारगेट करना होगा उसको आप टारगेट कर सकते हैं उनकी कोडिंग आईडी वेबसाइट्स पे ज्यादा होते हैं है जो डार्क मार्केट डार्क पे। वाला। तो जैसे ये हमारी चीजें हैं, तो इस तरीके से आपने देखा एक सिंपल फंक्शन को हमने कैसे किया, यहाँ पे कॉल किया और कैसे पास हो रहा है। तो मैकेनिज्म आपको इजीली समझ आया कि जब हमने कुछ एंकर्स, तो एंकर्स की जगह आप स्पैन टैग्स भी यूज कर देख सकते हैं, यानी कोई भी इनलाइन टैग आपने यूज, उस पर जब क्लिक हो रहा है अकॉर्डिंगली हम उसको एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और फिर वही यहाँ पे हो रहा है और उसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, जैसे डॉम ऑब्जेक्ट की मदद से आप, मैं यहाँ पे बॉडी को टारगेट कर रहा हूँ, तो एक्चुअल वर्ल्ड में आप किसी भी टैग को टारगेट कर कर सकते सकते हैं, ठीक है। किसी का फॉन्ट साइज, प्रॉपर्टी, वो सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं चेंज। तो जो जितनी वेबसाइट बेस्ट होती है उसके पीछे होते नहीं कि जावास्क्रिप्ट भी अच्छे खासी, क्योंकि हम बोलते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है इट्स एन इंटरैक्टिव लेयर बिटवीन एचटीएमएल एंड, एक छोटी मोटी एग्जाम्पल है। तो बहुत सारे कोडर्स ने, मैं भी बहुत सारे तरीके दिखाए होंगे इसको, बहुत सारे और भी तरीके हैं, जैसे लेट्स डू सम एक्सपेरिमेंट। अगर डायरेक्टली हम बॉडी को ही टारगेट करें क्या करेंगे, तो चलिए हम इसको क्या देंगे, आईडी देंगे, लेट्स से माय बॉडी फॉर इंस्टेंस, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना था, अब देखिए मैं लिखूंगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट शबश गेट एलिमेंट बाय, गेट एलिमेंट बाय आईडी शबश, उसको क्या करना है, डॉट शबाश, उसको क्या करना है काम, चलिए लेट्स ट्राई यूज बैकग्राउंड, और उससे पहले यूज करेंगे स्टाइल डॉट, चलिए सेव करते हैं, लेट्स फाइंड आउट कि ये वर्क करेगा भी नहीं करेगा, तो इट इज वर्किंग परफेक्टली, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आप यूज, जैसे मैंने बॉडी को टारगेट किया, बट इफ आपकी वेबसाइट में कोई डिवीजन था, पैराग्राफ था, आप स्पेसिफिक ब्लॉक्स को टारगेट करना चाहते हैं, थीम अगर आप यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, सपोज आपने ब्लैक डाल दिया तो क्या पता कंटेंट भी ब्लैक है, तो वो फिर विजिबल, सो दैट मीन्स आपको अकॉर्डिंगली फिर उसका भी चेंज करना पड़ेगा, समझा रहे बात, उसका कंटेंट चेंज कीजिए। अगर एक डिवीजन मैंने डाला है यहाँ पे, सपोज उसका टेक्स्ट कलर ब्लैक था, अब अगर ब्लैक थीम जा रही है तो वाइट आएगा, तो वाइट कर दो उसको, तो या कोई पर्टिकुलर सपोज नेविगेशन डार्क था तो आपने ब्लैक पे टारगेट किया वो तो दिखेगा ही नहीं, तो उसका कोई दूसरा कलर चेंज कर सकते, तो ये पहले ही सोचना है आपने, इस हिसाब से आप इसको यूज, तो वहां पे भी इफ एल्स कॉन्सेप्ट हम अंदर यूज, तो जितनी आपकी थिंकिंग, तो मेरी, मैं अगर अभी सोच, अच्छा अगर मैं बैकग्राउंड, तो इफ दिस, अगर मैं पहले ही चेक करूंगा अगर वहां से वैल्यू ब्लैक आ रहा है तो दैट मीन्स मैं टारगेट करूंगा इफ एल्स में स्पेसिफिक पार्ट, तो बट वही चीज अगर कोई आम इंसान देखता है उसको लगता है ओ ये वेबसाइट बहुत आसान है ना, तो लेकिन पीछे से हमने सिंपल HTML, CSS, JavaScript यूज किया होता है, और ये क्रिएटिव, तो कहते हैं ना वो थिंक स्मार्ट है ना, तो आउट ऑफ द बॉक्स मतलब होने का नॉर्मल सिंपल सोचिए, कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करके आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, तो यही बात यहाँ पे समझ। तो ये था फिलहाल हमारा आज का कॉन्सेप्ट और आज की एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रियल टाइम में कहाँ पे आप इसको यूज, तो कल कोशिश करेंगे और एक एग्जाम्पल, तो एक दो चार दिन हम कल से हम दो दो एग्जाम्पल्स करेंगे फंक्शंस की, तो कल कुछ आउट ऑफ द बॉक्स और एक चीज़ देखेंगे, कुछ और देखेंगे, ताकि आपको एक्चुअल वर्ल्ड में आया समझ के हम कैसे आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे हम पढ़ते हैं फंक्शंस को, खाली पढ़ना नहीं यूज़ भी करना है, तो कैसे हम बना सकते हैं वो चीज़ भी हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना है समझ, तो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी, तो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर बताइएगा, तो नीचे कमेंट करिएगा, तो कोशिश करेंगे आपको उसका इंशाल्लाह आंसर देने की। चलिए टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।